Hello students, welcome back to our online class. Today we are here to discuss new chapter, chapter number 14, class 8. Our subject English grammar and topic name is subject verb agreement. Part 1. In this video we are going to discuss subject verb agreement. So dear students, in this new chapter we are going to see subject verb agreement. आपने देखा होगा कि जहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर यूज होता है वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज होता है, ठीक है? तो प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब यूज होता है. सो स्टूडेंट्स, यहां पे एक तीन एग्जांपल लिखा हूं जो आपको बहुत ही मतलब कि हेल्प करेगा, जो थ्रू आउट दिस लेसन जैसे हम उसको एक एक रूल्स पढ़ेंगे और उसकी जानकारी लेंगे, तो इस तीन एग्जाम्पल के थ्रू से हमें बहुत सारी चीजें जानकारी मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्रीमेंट करते हैं और क्रिया यानी कि वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट बनते हैं, तब जाके एक प्रॉपर सेंटेंस बनता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल, ही इज इल. देखो यहाँ पे ही सिंगुलर है और इज भी सिंगुलर वर्ब है, इसलिए ये एक एग्रीमेंट बन के एक सेंटेंस प्रॉपरली बना. इन द सेम एग्जाम्पल्स यू कैन सी आई एम एन आर्किटेक्ट, ठीक है? आप सबको पता है, जब मैं टेंस पढ़ाया था तो आप लोगों को क्लियरली पता दिया था कि एम का जो यूज है वो केवल आई के साथ होता है. तो जब इन दोनों के एग्रीमेंट नहीं होता है तो वी कांट से दैट इट कैन बी अ प्रॉपर सेंटेंस. तो इसलिए हमारा मेन टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल फॉर्म जो वर्ब की यूज होता है, तब दोनों के एग्रीमेंट में ही एक सेंटेंस बनता है. तो ये हमारा मेन टॉपिक जो हम इस लेसन में देखेंगे. ओके, सो कुछ डेफिनेशन है जो उसको हम यूज करेंगे, कहां पे किस तरह से एग्रीमेंट बनता है तब जाके एक सेंटेंस बनता है, उसकी पूरी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे. लेट अस रिवाइज. ओके, सो यू हैव लर्न दैट अ वर्ब ऑलवेज एग्री विद द सब्जेक्ट, ठीक है? अब हमने अपने सीखा होगा या पहली बार सीख रहे होंगे, पर हमेशा याद रखना, हमेशा जो एक क्रिया होता है वो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट बनता है, या किसी भी नंबर के साथ या किसी भी पर्सन के साथ जब एग्रीमेंट बनता है तब जाके उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है. सो ये एग्जांपल है. अब हम देखेंगे, लेट अस रिवाइज द रूल्स दैट हेल्प अस डिटरमाइन इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, इफ टू और मोर सिंगुलर नाउंस और प्रोनाउंस आर जॉइंड बाय द कंजंक्शन, ठीक है? तो हम थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि मान लो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो किस तरह से वर्ब के एग्रीमेंट बनता है, या अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो किस तरह से वर्ब की एग्रीमेंट बन के वो एक प्रॉपर सेंटेंस बनता है, उसको हम रिवाइज करेंगे. सो फर्स्ट रूल्स फॉर द सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट इज दैट इफ टू और मोर सिंगुलर नाउंस और प्रोनाउंस, ठीक है? यदि एक या एक से भी दो हो जो कि सब्जेक्ट या प्रोनाउंस हो, ठीक है? जॉइन बाय द कंजंक्शन नाउन, अगर उन दोनों को अगर कंजंक्शन यानी कि एंड जॉइन कर रहा है तो कैसे बनता है, वी यूज द प्लूरल वर्ब, तब जाके हमें क्या है प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है. फिर से मैं रिवाइज करना चाहता हूं कि जहां कहीं दो नाउन हो जो दोनों नाम को एंड जॉइन मतलब कि मिला रहा हो, या दोनों प्रोनाउंस को एंड यानी कि कंजंक्शन दोनों को जोड़ रहा हो, वो हमेशा जो है कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, वो है प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है. स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू राइट वन एग्जांपल फॉर यू. ओके, सो पहला एग्जांपल आप देख सकते हो कि दोनों नाम है और दोनों नाम को जोड़ने वाला कौन है, एंड यानी कि कंजंक्शन, हम सबको पता है, ठीक है? जब दोनों नाउन है और एंड है तो तब वर्ब की एग्रीमेंट कैसे बनता है, क्या वो सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए. सो एक एग्जांपल है मीता, ठीक है? उसके बाद एंड रीता, ये सबको पता होगा मीता नाउन है या प्रोनाउन है, रीता नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है? आर स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, students of the school. Okay? तो देखो यहां पे किस तरह से वर्ब की एग्रीमेंट बन रहा है, मीता रीता,
ठीक है, दो नाम यहां पे, अगर इसमें प्रोनाउंस भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एंड क्या है, एक तरह से कंजक्शन है, जब किसी नाउन या प्रोनाउन को एंड जोड़ता है और इसमें वर्ब कौन सा यूज होना चाहिए, ठीक है। देखो जब नाउन है नीता एंड रीता, तो यहां पे आर का यूज हो रखा है, तो इस तरह से जो एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। तो ये पहला रूल है जो आपको याद रखना है, जब नाउन या प्रोनाउन और उन दोनों को अगर कंजक्शन एंड जोड़ रहा हो तो उसमें बेसिकली प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। सेकंड रूल्स क्या है, व्हेन टू नाउन सजेस्ट द सेम आइडिया और रेफर टू द सेम पर्सन, ठीक है। जब कभी दो नाउन्स, ठीक है, एक ही तरह की सलाह दे रहा हो या एक ही आइडिया के बारे में बात कर रहा हो, ठीक है, तब कौन सा एग्रीमेंट बनता है, यानी कि दो नाउन है और दोनों नाउन की आइडिया सेम है या दोनों की विचार सेम है या किसी को वो सलाह दे रहा, सजेशन दे रहा हो, ठीक है, और उस दौरान कौन सी वर्ब यूज होना चाहिए, सिंगुलर यूज होना चाहिए या प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होना चाहिए। सो यहां पे लिखा है, एक एग्जांपल लिखा है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है, एक एग्जांपल है यहां पे, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, स्टूडेंट्स यहां पे आप देख सकते हो विन द रेस। अब इसमें जो है सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, विंस क्या है, बेसिकली सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी कि दोनों एक ही कैटेगरी की है, ठीक है, यानी कि दोनों सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट की जो आइडिया है वो क्या है, एक ही है और वो एक ही पर्सन को या थिंग्स को रेफर कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है सब्जेक्ट को एग्री करने के लिए, ठीक है। इसीलिए आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन मोर अबाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट विषय है, वर्ब क्रिया है और एग्रीमेंट मतलब सहमति है, सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट में चलता है और वर्ब सब्जेक्ट के एग्रीमेंट में चलता है। अगर देखो, अगर हम केवल सब्जेक्ट वर्ब के बारे में जब बात करते हैं, दोनों एक दूसरे से लिंक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज होना चाहिए। अब इसमें स्लो स्टडी जो है एक ही मीनिंग है, लगभग एक ही चीज को रेफर कर रहा है और ऐसे सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फास्ट फॉर्म यूज होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। उसी तरह आप देख सकते हो और भी रूल्स हैं, रूल्स है वो जो लिखा है कि इफ टू सब्जेक्ट टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, अगर किसी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट जो है मिलकर एक ही आइडिया के बारे में बात कर रहा हो, द वर्ब में भी इन द सिंगुलर, तब भी क्या होगा कि वर्ब जो होगा वो सिंगुलर ही यूज होगा। फिर से एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है और दोनों सब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में वो बात कर रहा है, दोनों के दोनों या पर्टिकुलर जो आइडिया, उनकी दोनों की आइडिया जो है एक ही है, तब उस कैटेगरी में हमेशा जो है वो क्या यूज होगा, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। देखो एक एग्जाम्पल लिखा है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर इज दैट शी हैज डिसाइडेड टू रिटर्न टू इंग्लैंड, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों सब्जेक्ट है और उन दोनों की आइडिया क्या है कि मैटर इज दैट शी हैज डिसाइडेड टू रिटर्न टू इंग्लैंड, ठीक है, और उन्होंने निर्णय लिया कि वो वापस इंग्लैंड में आ जाएगी, दोनों उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है हम, सो डियर स्टूडेंट्स जैसे मैं बता रहा था कि लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर, यहाँ पे लॉन्ग भी शॉर्ट भी और एक ही जो एक्सप्रेशन जो उनका है वो एक ही आइडिया के ऊपर है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रहा था। अब हम दूसरा देखेंगे, इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट आर प्रसीडेड बाय ईच और एवरी, द वर्ब इज यूजली सिंगुलर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सपोज जब सिंगुलर सब्जेक्ट जो कि ईच और एवरी से पहले यूज होता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो उसका जो वर्ब होगा वो हमेशा वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो,
एवरी हो गया या किसी भी सेंटेंस में एज हो गया जो कि सब्जेक्ट के पहले आ रहा हो, जैसे कि यहां पे मैन सब्जेक्ट है और एवरी यानी कि मैन से पहले अगर यूज हो रहा हो तो हमेशा याद रखना आप उसका जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। अब सिंगुलर फॉर्म द वर्ब यूज कहां पे यूज हो रहा था, यहां पे वाज, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो वाज। फिर से रिपीट करना चाहता हूं मैं, जिस सब्जेक्ट के पहले एवरी या इच यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड दैट हमेशा जो है वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। अब इसमें सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में क्या होगा, दूसरी बात क्या हमें सीखने मिल रहे, जहां कहीं कलेक्टिव नाउन आ रहा हो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कमिटी हैज एक्सेप्टेड योर रेजिग्नेशन, ठीक है, द कमिटी हैज एक्सेप्टेड योर रेजिग्नेशन। कमिटी यानी कि एक ग्रुप में आ रहा है, यानी कि एक कलेक्टिव नाउन है, और ऐसे कलेक्टिव नाउन में उसकी जो वर्ब के एग्रीमेंट होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। इसमें आप देख सकते हो हैज यूज हो रखा है, ठीक है, द कमिटी हैज एक्सेप्टेड योर रेजिग्नेशन, ठीक है, तो हैज यानी कि सिंगुलर वर्ब एग्रीमेंट हो रखा है। उसी तरह आप देख सकते हो हाउएवर इफ वी आर रेफरिंग टू द मेंबर्स ऑफ द यूनिटी इंडिविजुअली प्लूरल वर्ब इज यूज, ठीक है, जैसे भी हो जब कभी हम, ठीक है, रेफरिंग टू द मेंबर्स ऑफ द यूनिटी जब हम करते हैं तो वो हमेशा उसकी प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। जैसे फिर दूसरा एग्जांपल है द कमिटी मेंबर्स आर, ठीक है, तो प्लूरल फॉर्म में तो हम यूज कर रहे हैं, कमिटी मतलब बहुत सारे कलेक्टिव नाउन में आता है, ठीक है, और इसलिए यहां पे आर यूज हो रहा है। सो उसी तरह तो नेक्स्ट रूल्स अगर आप देखोगे, इफ सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म, ठीक है, कहीं कहीं नाउन्स आपने देखा होगा जिनकी जो फॉर्म है प्लूरल में होता है, ठीक है, बहुवचन में होता है, जैसे कि फिजिक्स आपने सुना होगा वो नाउन प्लूरल फॉर्म में आता है, ठीक है, तो क्या फिजिक्स एस आने का मतलब क्या हमें प्लूरल फॉर्म बनाना चाहिए या सिंगुलर फॉर्म बनाना चाहिए, इसका रूल्स हमें क्या कहता है हम देखेंगे। बट सिंगुलर इन मीनिंग सच नाउन्स टेक अ सिंगुलर वर्ब, और इस तरह की जो नाउन्स हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, जो नाउन्स की प्लूरल फॉर्म हो लेकिन सिंगुलर मीनिंग हो, और ऐसे सेंटेंस में हमेशा जो है वो सिंगुलर वर्ब की एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ बनता है, जैसे कि फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, देखो ये प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, ये आपने सुना होगा फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स यहां पे देख सकते हो फिजिक्स प्लूरल फॉर्म में है लेकिन हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो उसके एग्रीमेंट है वो सिंगुलर बन रहा है। तो जिस सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म में हो लेकिन उसका मीनिंग सिंगुलर हो वो हमेशा वर्ब जो सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। उसी तरह आप देखोगे द न्यूज वाज स्कैल, न्यूज एस आ रहा है, न्यूज में एस आ रहा है, प्लूरल फॉर्म में है लेकिन उसका जो मीनिंग है वो सिंगुलर है, और इसीलिए कहा क्या यूज हो रखा है यहाँ पे वाज यूज हो रखा है। तो कुल मिला के क्या है कि जहां कहीं प्लूरल फॉर्म में हो उसका मीनिंग प्लूरल फॉर्म में हो लेकिन उसका मीनिंग सिंगुलर हो तो उसकी एग्रीमेंट जो होता है वो वर्ब की सिंगुलर में बनता है, ठीक है। उसी तरह फिर हम देख सकते हैं सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग, अब उसका उल्टा हो गया है, ऑपोजिट हो गया है। पहले में हमने देखा कि प्लूरल फॉर्म में होता है लेकिन सिंगुलर मीनिंग हो रहा था, अब दूसरे एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि सिंगुलर फॉर्म में है लेकिन उसका मीनिंग जो है प्लूरल फॉर्म में, उसके एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ जो बन रहा है वो प्लूरल फॉर्म में बन रहा है, जैसे कि द पुलिस हैव नो द कल्प्रिट, ठीक है, पुलिस ये क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म में है
लेकिन उसका मीनिंग हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में। तो जब जब कभी हम किसी को बोलते हैं पुलिस आ रहा है, तो हम ये पर्टिकुलर नहीं बोल सकते कि कोई एक ही पुलिस आ रहा है, वो क्या है, फॉर्म तो सिंगुलर है लेकिन उसका मीनिंग डेफिनेटली क्या बनता है, प्लूरल, यानी कि उनके साथ और चार पांच भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है हम उसको बना सकते हैं। उसी तरह हम देख सकते हैं द वर्ड्स ईच एवरीवन नाइदर नॉर आइदर और टेक अ सिंगुलर वर्ब, जब कभी ईच यूज हो रहा हो, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, या एवरीवन किसी सेंटेंस में आपने देखा होगा जो एवरीवन यूज होता हो, या नाइदर नॉर आइदर और, वो हमेशा जो है वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। जब कभी ईच एवरीवन नाइदर नॉर Either or, इस तरह की वर्ड किसी भी सेंटेंस में यूज होते हैं आपको मिलेंगे, तो हमेशा याद रखना उसकी वर्ड हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड में यूज होता है, ठीक है। एक एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे किस तरह यूज होता है, Either you or she is telling the truth, ठीक है। तो either यूज हो रखा है तो definitely she is, आप देख सकते हो is दोबारा सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड यूज हो रखा है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, और सेकंड पार्ट में और भी रूल्स एंड रेगुलेशन है जो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज गो थ्रू दिस लेसन, वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, एंड वेट फॉर द सेकंड पार्ट दैट आई एम गोइंग टू अपलोड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।